आप देख रहे हो हम होटल में चेक इन कर चुके हैं, यानी कि हम भोपाल पहुंच चुके हैं। और ये है हमारा होटल रूम, डबल बेड का रूम। और राजा थोड़ा हाई कर दो, लैपटॉप में थोड़ा बिजी है राजा, हाई कर। सॉरी दोस्तों, मैं आज का काम कर रहा था। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो ये एक छोटा सा रूम लिया है, इसी रूम है, काफी अफोर्डेबल लगा इसलिए ले लिया। पर डे के हिसाब से 850 रूपए। जैसा कि मैंने कहा था, भोपाल पहुंच के आपको हम अगले टूर के बारे में बताएंगे। तो प्लान ऐसा है कि कल सुबह हम सांची जाने वाले हैं। सांची का नाम आप सुना ही होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, विदिशा पहले पहुँचेंगे। विदिशा पहुँचने के बाद विदिशा से हम सांची जाएंगे। तो कौन से ट्रेन पकड़ने जाएंगे इसके बारे में आपको राजा बताएंगे। कल हम सुबह 6 या 6:30 के करीब महामना एक्सप्रेस है, सुपरफास्ट, जो यहाँ से ग्वालियर के लिए जाती है, वो पकड़ेंगे। इसका पहला स्टॉपेज विदिशा है। तो 7:30 बजे पहुँच जाती है वो। ट्रेन को हमने चुना, काफी बढ़िया ट्रेन है, आप लोग देखोगे तब चलाएंगे। तो जैसा कि आपने जान चुके हैं, कल हम सांची जाएंगे। तो सांची को एक्सप्लोर करने के बाद हम कहाँ जाएंगे उसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए हम कैसे होटल में रुके हैं इसके बारे में आप पूरा दर्शन कर लीजिए। जर्नी एक्सप्रेस ने तो कहा कि उन्होंने होटल में चेक इन कर लिया है, सॉरी, लेकिन कौन से होटल में किया है, कहाँ किया है, कहा तो नहीं। असल में हम लोग भोपाल रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे ही बैक साइड यहाँ पे होटल तुलसी है, वहाँ पे हमने रूम लिया है। पहले हमने होटल के ऑपोजिट स्टेशन के ऑपोजिट एक होटल चेक इन किया था, यानी मतलब हमने लोग देखा था, लेकिन हमने रूम कुछ जमा नहीं, तो इसलिए हमने स्टेशन के यहाँ आना उचित समझा और हमें ये रूम काफी डिसेंट लगा। ठीक है, 2 जन आराम से एडजस्ट कर लेंगे, एसी रूम है। सो यही बात कहना था आप लोगों से। और होटल का जो प्राइस है वो 850 रूपये पर नाइट के हिसाब से हमें पड़ा है। हमने हाफ पेमेंट कर चुके हैं और चेकआउट के वक्त हाफ पेमेंट देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो होटल तुलसी का कॉरिडोर, सारे रूम्स फुल हैं। ये है हमारे रूम। हमारा रूम नंबर है 105। आप देख रहे हो सीधा ये एग्जिट है, आप सीढ़ी से भी नीचे जा सकते हो। और मेरे लेफ्ट तरफ यानी देवाशीष के सीधा लिफ्ट है। मैं थोड़ा आपको घुमा के दिखा रहा हूं। लिफ्ट रही होटल तुलसी का कॉरिडोर का डेकोरेशन आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा होटल है। दोस्तों, ये होटल तुलसी का बाहरी हिस्सा आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा होटल है। हमने यहाँ पे चेक इन किया हुआ है। नीलेश सिंह राजपूत, तो नीलेश सिंह राजपूत जी कब से काम कर रहे हो? लगभग 3-4 साल। 3-4 साल। तो भोपाल के बारे में कुछ बताइए, आप भोपाल के रहने वाले हो? नहीं सर, मैं सागर जिले का रहने वाला हूँ। सागर जिले, तो भोपाल में काम करने के लिए यहाँ पे होटल में रहते हो कि होटल में? तो भोपाल कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है सर। सो हम तो आए हैं टूरिस्ट लोगों को दिखाने के लिए आपके साथ, ठीक है ना? तो आप हमें बोलो कि भोपाल हमें क्यों दिखाना चाहिए? सर अच्छा है और क्या, घूमने लायक भी शहर है, ऐसा नहीं, हर चीज की वो सुविधाएं हैं, हर चीज की सुविधाएं हैं। चलो, तो आपका नाम फिर से? नीलेश सिंह राजपूत। नीलेश सिंह राजपूत ने ये रेकमेंड किया है कि हम सभी को भोपाल जरूर आना चाहिए और अगर हो सके तो इनके होटल में जरूर ठहरना चाहिए, कि हम रेकमेंड भी करते हैं। तो चलिए, तो मिलके अच्छा लगा, थैंक यू। दोस्तों, आप सोच रहे हो मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ये कार्ड है जो होटल के रिसेप्शन से मुझे दिया है, होटल तुलसी के रिसेप्शन में। इसमें उसका एड्रेस दिया हुआ है जो मैंने वीडियो में नहीं बताया, उसका एड्रेस आपको बता देता हूँ। देखिए, सब्जी मंडी रोड, भोपाल के जो सब्जी मंडी रोड है उसमें स्थित है ये होटल तुलसी, और इसका लैंडमार्क है श्री राम मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिए, सब्जी मंडी रोड, होटल तुलसी भोपाल में, और इसका लैंडमार्क है श्री राम मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और भोपाल का पिन कोड है 462001। और हाँ, बाकी के डिटेल्स मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा, इस कार्ड में आप शायद देख नहीं पाओगे, ठीक है? इसका डिटेल्स मैं वीडियो में आपको डाल दूंगा, तो आप वहां से आपका इस होटल का डिटेल्स आप ले सकते हो। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और देखते रहिए जर्नी एक्सप्रेस।